से पहले तो आप काफी खूबसूरत लग रहे हो। थैंक यू। हिंदी सिनेमा से काफी समय के बाद आप एंट्री करने वाले हो, तो क्या कहेंगे, क्या क्या कुछ देखने मिलेगा? एक सेकंड, आप ये से रहिए। हिंदी सिनेमा में काफी समय के बाद एंट्री कर रहे हो आप, तो क्या कुछ देखने मिलेगा ऑडियंस को? वेरी मेच्योर, होपफुली स्नेहा उलाल। साउथ में जाके काफ़ी ट्रेनिंग अच्छा हुआ है मेरा, मैंने 9 फिल्म्स किया है तेलुगु में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी थोड़ी थोड़ी एक्ट्रेस की तरह मैं पहुंच रही हूँ, क्योंकि जब लकी किया था तब मैं 15 साल की थी, काफ़ी छोटी थी, सो इतना नॉलेज नहीं था एक्टिंग के बारे में। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हूँ और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स कर पाऊँगी अभी। प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, जैसे मैंने कहा मैं बहुत छोटी थी पहले, तो जब मैंने हिंदी छोड़ा था तब वो टाइम प्लान नहीं था कि मैं वो टाइम साउथ जाऊंगी, वो टाइम मुझे सिर्फ अपने पढ़ाई कंप्लीट करनी थी, तो वो करने के बाद फिर मैं साउथ गई सलमान के कहने पे। और एक्चुअली मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं वहाँ पे गई, क्योंकि साउथ ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, एक प्रोफेशनल एक्टर बना दिया है। सो प्रॉब्लम कभी, मतलब वो प्लान कभी नहीं थी कि मैं लकी के बाद एक कंटिन्यू करूँ, जो एक दो फिल्म किए थे बस वो आ गए थे तो कर लिए, पर स्टडीज कंप्लीट करना मेरा नंबर वन प्रायोरिटी था वो टाइम पे। बेजुबान इश्क एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी है। ये फिल्म में ट्राइंगल है, एक नया लड़का है निशांत और मुक्ता पुत से है, जो मेरी कज़न सिस्टर बनेगी फिल्म में, और एक्चुअल में भी हम लोग काफ़ी क्लोज है। एंड वो एक्चुअली सरप्राइजिंग की बात थी कि दो हीरोइन टाइम पास कर रहे थे साथ में, पर बहुत ही स्वीट है। स्क्रिप्ट एक वेरी सेंटिमेंटल स्टोरी है, क्लाइमैक्स में आपको रुला देगी, एंड जो इमोशनल पार्ट है वो मेरा कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व होता है। सो आई थिंक बॉलीवुड के लिए मैं फर्स्ट टाइम मैं स्क्रीन पे रोने वाली हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे रोना धोना सीन्स पसंद है, करना देखना नहीं, तो आज भी शायद एक है रोने का सीन, तो बहुत एक्साइटेड है। सेट पे भी हमने देखा कि आपकी और मुग्धा की दोस्ती काफ़ी अच्छी है, तो मतलब सीन में भी वो कुछ आपको हेल्प करती है, जैसे कि काफ़ी एक्सपीरियंस? एब्सोल्युटली, वो इनफैक्ट वो मुझे बहुत अच्छा टिप उसने दिया है कि जब सॉन्ग्स है थोड़ा सा ओवर एक्टिंग अप करेंगे तो मोंटाज सॉन्ग्स में अच्छा लगता है, तो नेक्स्ट जब मेरा ऐसा चांस मिलेगा मैं वो टिप वो एडवाइस ज़रूर ट्राई करूँगी। एक्चुअली मेरा 3 तेलुगु फिल्म्स है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी, और बेजुबान इश्क के रिलीज के बाद ही नेक्स्ट हिंदी में करेंगे, तो अभी मुझे कुछ मिस्टेक्स नहीं करना है, तो ये फिल्म के बाद ही प्लान शुरू।